हेलो एवरीवन, वेलकम टू रारा। आज मैं मेबेलिन फिटमी जो फाउंडेशन है इसका रिव्यू करने वाली हूँ एंड डेमो दिखाने वाली हूँ अपने फेस पर। तो चलिए, ये है फिटमी का मिनी फाउंडेशन जिसका मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि मैं इसका रिव्यू करूँ। और जो मिनी पैकिंग है इसमें चार शेड लॉन्च हुए हैं, जिसमें से मैंने अपने लिए लिया है वॉर्म न्यूड 128, यानी कि 128 यहाँ पर इसका शेड नेम लिखा है। बात करें इस फाउंडेशन की, तो ये मैट और पोरलेस फिनिश देता है, नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए है। एंड इसमें जो माइक्रो पाउडर पार्टिकल्स होते हैं वो आपकी स्किन को इवनली मैट लुक देते हैं और आपकी ऑयली स्किन को फ्लॉलेस बनाते हैं। सो हम भी अभी लगाएंगे, अभी मैंने कुछ नहीं लगाया है, आई मेकअप जरूर किया है। तो अभी मैं पहले मॉइस्चराइजर लगाऊंगी एंड देन उसके बाद मैं आज प्राइमर का इस्तेमाल करूंगी, फिर मैं इस फाउंडेशन को लगाऊंगी। तो एक आधे फेस पर मैं प्राइमर लगाने वाली हूँ, आधे पर नहीं लगाने वाली हूँ, एनी साइड। तो इसके बारे में मैं बताऊं, ये है, आपकी स्किन को मैटिफाई करता है, रिफाइन करता है पोर्स को एंड आपकी नेचुरल टोन में मिक्स हो जाता है और सीमलेस फिनिश देता है। बट एक चीज मैं बताना चाहती हूँ दोस्तों कि ये ऑक्सीडाइज भी होता है। मैंने इसे इस्तेमाल कर लिया है कई दिन, तो अभी हम पहले इस्तेमाल करेंगे इसको। और उससे पहले मैं लगाने वाली हूँ मॉइस्चराइजर, और आजकल मैं इस मॉइस्चराइजर का पिछले 15 दिन से इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने इसे हॉल वीडियो में नहीं दिखाया था क्योंकि मैंने इसे आउटलेट से परचेज किया था एंड दिस इज माय करंट फेवरेट सेरम एंड क्रीम। दिस इज लोटस ऑर्गेनिक्स प्रीशियस ब्राइटनिंग सेरम एंड क्रीम, और इसका रिव्यू आप मेरे चैनल पर बहुत जल्दी देख पाएंगे क्योंकि मैंने इसे अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया है। सो इसको ले लेते हैं। इसका यहाँ पर आप टेक्सचर देख लीजिए, दिस इज द टेक्सचर, बिल्कुल जेल बेस्ड। और इसकी खुशबू, ओ माय गॉड, और ये स्किन को ब्राइट तो करता ही है, फेयर तो बनाता ही है आपकी स्किन को, साथ ही आपकी स्किन में जितनी डलनेस है उसे हटा देता है। और बहुत ही कम प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है, सो विच इज वेरी गुड। एंड आपको इसका रिव्यू देखने के बाद इसको ना जरूर खरीदने का मन करेगा, मैं डेफिनेटली बोल रही हूँ। और ये आई शेडो आप पूछोगे मैंने कौन सा लगाया है, तो ये जो फोक अलियोर की तरफ से मुझे आई शेडो पैलेट मिली थी, मैंने आज उसको ट्राई किया एंड उसके दो शेड मैंने हल्का सा मिक्स एंड मैच करके लगाए हैं दोस्तों, तो आप ये देख पा रहे हैं। मैंने लगा लिया है मॉइस्चराइजर और अभी मैं इसे थोड़ा 5 मिनट देती हूँ। तो दोस्तों ये मेरी स्किन में अच्छे से बैठ गया है और अब मैं लगाने वाली हूँ अपने आधे चेहरे पर ये लोटस का इको स्टे प्राइमर। एंड ये जो प्राइमर है इसके बारे में मैं बात कर चुकी हूँ, इसका रिव्यू दे चुकी हूँ, लेकिन मैंने फेस पे अप्लाई करके नहीं दिखाया था, लेकिन मैंने इस्तेमाल करके रिव्यू किया है जिस भी प्रोडक्ट का किया है। सो बेसिकली ये ऑयल फ्री फॉर्मूला ये भी देता है, तो चलिए इसे लगा लेते हैं। और एक चीज़ और है, ये ऑल स्किन टाइप है, 100% वेगन है एंड ये आपकी स्किन को डलनेस से भी बचा कर रखता है और ये ना पिक्चर परफेक्ट सैटनी स्मूथ फिनिश देता है। दिस इज द प्राइमर, और बस इतना ही सफिशिएंट है हाफ फेस के लिए, क्योंकि प्राइमर जो है वो टी जोन एरिया पर या ऑयली स्किन पर लगाया जाता है, पूरे फेस पर कवर नहीं किया जाता है। बहुत ही जेंटली मैं इसे लगा ले रही हूं। ओके, तो मैंने इसे लगा लिया है जी हाँ। और वैसे तो मेरे ओपन पोर्स नहीं है, बट फिर भी मैंने लगाया है, लगा कर किस लिए दिखाया है, क्योंकि मुझे आपको इसका एक जेन्युइन रिव्यू देना है। तो चलिए अब हम फाउंडेशन लगाएंगे, उसके लिए उसके पहले हम ना प्राइमर को 2 मिनट दे देते हैं। तो दोस्तों ये मैं ले रही हूँ फाउंडेशन, दिस इज द फाउंडेशन, और इसकी कीमत है 299 रुपये, यानी कि लगभग 300 रुपये। 2 ईयर्स इसकी शेल्फ लाइफ है एंड प्रोडक्ट क्वांटिटी इसके अंदर है 18 ml, ठीक है। तो इसमें वैसे तो 16-17 शेड आते हैं, बट 4 शेड ये मिनी वाले में आते हैं एंड आई थिंक इतना फाउंडेशन सफिशियंट है मुझे लगता है, क्योंकि ज़्यादा फाउंडेशन लगाने से भी चेहरे की जो फ्लॉलेस लुक होता है
वो तो देखिए चला जाता है। और मैं ना, आपने मेरे चैनल पर देखा भी होगा कि मैं कंसीलर का इस्तेमाल बहुत ही कम करती हूँ, मतलब मैं कंसीलर लगाती ही नहीं हूँ। बिकॉज़ अगर आप रेगुलरली कंसीलर लगा रहे हो तो आपका चेहरा, जब आप मेकअप रिमूव करोगे ना, तो आप बिफोर एंड आफ्टर इफेक्ट देख पाओगे, तो वो चीज़ मुझे थोड़ा सा डराती है कहीं ना कहीं। तो अभी मैं नहीं चाहती हूँ कि मुझे अगर डार्क सर्कल नहीं है तो भी आने लगे, और मैं थोड़ा सा फाउंडेशन और लूँगी लाइक दिस। ओके, तो जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो लगाऊंगी ही। और वैसे भी एज सच फुल कवरेज मेकअप करने के बाद ना मुंह अजीब सा लगने लगता है, केक ही जैसा एकदम। आप कितना भी फ्लॉलेस करा लो, वो चेहरे पे वो बात नहीं आती है जो नेचुरल फाउंडेशन अप्लाई करने पे आती है। मतलब नेचुरल लुक में आप बहुत कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन अगर आप 2-3 लेयर या फिर थोड़ा ज़्यादा मेकअप लगा लेते हो तो फिर आपको लगता है कि कुछ ज़्यादा हो गया। तो मैं पहले ब्लेंडर से ब्लेंड करने वाली हूँ। दिस इज़ द ब्लेंडर फ्रॉम कलबार, एंड इसे मैंने पानी में भिगो करके स्क्वीज कर लिया है। और आधे चेहरे पर मैं काबू की ब्रश से ब्लेंड करके दिखाऊंगी। और पहले ही बता दे रही हूँ कि मैं ना दोनों चीज़ों से इस्तेमाल करके देख चुकी हूँ, ब्रश से भी एंड ब्लेंडर से भी, लेकिन जो इफेक्ट अच्छा आता है डेफिनेटली वो आप अभी देख पाएंगे, ब्लेंडर से ही आता है। क्योंकि ये एक ऐसा फाउंडेशन है, कान पर भी थोड़ा सा लगा लीजिए और आप चाहें तो अपनी नेक पर भी अप्लाई कर सकते हो। देखिए, ब्लेंडर से इवनली बैठ जाता है ये आपकी स्किन में। तो ब्लेंडर से बहुत ही बढ़िया फ्लॉलेस फिनिश मिली है मुझे, जो कि मुझे चाहिए थी बिल्कुल। मुझे केकी लुक मेकअप में इनफैक्ट किसी को भी पसंद नहीं होता है, तो आपने देखा इस तरफ प्राइमर भी नहीं है तभी भी कितना बढ़िया लुक आया है। बिल्कुल ब्लेंड हो गया है फाउंडेशन, नो फ्लेकीनेस। ओके, अभी मैं ब्लेंड करने वाली हूँ कलबार के ही काबू की ब्रश से, जिससे मैं ऑलमोस्ट अपने फाउंडेशंस कभी कभी ब्लेंड करती हूँ। सो एज सच इससे उतना बढ़िया लुक नहीं आया है, हालांकि ये फाउंडेशन ब्रश जो है वो बहुत अच्छा है और लाइट इफेक्ट आ रहा है। मेरे रूम में जो है वो लाइट जल रही है वाइट। तो आपने देखा, इधर प्राइमर लगा है तब ये लुक आया है, एंड इधर लगा है ना प्राइमर और ब्लेंडर से मैंने ब्लेंड किया है। फिर भी अगर आप ब्रश के शौकीन हैं तो ब्रश से लगाइए, और ब्लेंडर से आपको पसंद है तो आप ब्लेंडर से लगाइए। ब्लेंडर से भी इजी होता है, पर ब्लेंडर से ज़्यादा इजी होता है। मैं आपको हाईली सजेस्ट करूंगी कि आप ब्लेंडर से लगाएं दोस्तों, एंड कहीं ना कहीं थोड़ी सी कवरेज ब्लेंडर ज़्यादा दे रहा है ब्रश के, क्योंकि यहाँ पे आप छोटे ब्लेमिश देख सकते हैं। अरे हाँ, तो हम अपने कान पर अप्लाई करना भूल गए, मतलब मैं भूल गई, सॉरी। हाँ, हो गया। तो दोस्तों, ये लगा लिया है मैंने फाउंडेशन, एंड इससे ना आप देख सकते हैं, अब मैं इसे, अगर आप सेट करना चाहते हैं तो आप भी सेट कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी सेट करने वाली हूँ फिट मी के इस लूज पाउडर से। और ये लूज पाउडर मैंने थोड़ा सा डार्कर टोन में लिया है, क्योंकि इसको अगर आप, मैं आपको हाफ फेस पर लूज पाउडर अप्लाई करके दिखाने वाली हूँ, एंड हाफ फेस पर मैं मेबलिन का जो एवरीडे फ्रेश वाला जो कॉम्पैक्ट है, बहुत ही सुपर फ्रेश, उसे अप्लाई करूंगी। तो मैं अभी ले आती हूँ उसको। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं ये कॉम्पैक्ट इस्तेमाल करने वाली हूँ, दिस इज़ फ्रॉम मेबलिन। इसको ना हर लड़की अपने पास रखना पसंद करती है, क्योंकि मेबलिन वाइट सुपर फ्रेश जो कॉम्पैक्ट है ये बहुत ही अफोर्डेबल है। इसका रिव्यू मैंने किया है, 8 ग्राम प्रोडक्ट क्वांटिटी है, और आई थिंक ये 150 रुपये का आता है या लगभग लगभग वैसा ही। तो चलिए
ये स्पॉन्ज से मैं इसको लेकर के लगाने वाली हूँ। आप स्पॉन्ज से लगाइए चाहे किसी भी चीज़ से लगाइए तो इसका लुक जो है वो अच्छा आएगा। और आप देख पाएंगे कि इसमें मेरा जो शेड है वो मैं बता दूँ, आई थिंक दिस इज़ मार्बल। ओके, तो ये मार्बल शेड मैं अप्लाई कर रही हूँ एंड आप देख पा रहे हैं इससे हल्का सा वाइटिश हो गया है। ओके, सो जो लोग फिटमी फाउंडेशन के बाद ये वाला कॉम्पैक्ट लगाना चाहते हैं तो उनके लिए तो ये रिव्यू हो गया, मतलब इसमें आपको समझ आ जाएगा दोस्तों। और थोड़ा सा कम ही लगाएं जिससे कि आपको आपका लुक समझ में आ जाए। और मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूंगी कि अगर आप कॉम्पैक्ट ले रहे हो तो इस तरीके से लेकर के यहाँ पर हमेशा कॉम्पैक्ट लगाएं ज़्यादा, ना कि यहाँ पर। ओके, सो ये लग गया है कॉम्पैक्ट एंड इस तरफ मैं लगाने वाली हूँ फिट मी लूज पाउडर फ्रॉम मेबलिन। और ये मैं ना वैसे तो इसमें दिया हुआ है इसका जो स्पॉन्ज है, बट फिर भी अगर आप चाहें तो इसे ब्रश से भी लगा सकते हैं, लेकिन हम इसी से लगाएंगे। ओके, बट मैं ना आपको एक चीज़ बताऊंगी, ये लूज पाउडर जो है ये वाइटिश तो नहीं करेगा आपकी स्किन को। आप देख रहे हैं जैसा कि येलो टोन मैंने लिया है, इसमें वाइटिश टोन भी आती है, एक इसमें शायद 4 या 5 शेड आते हैं लूज पाउडर में, लेकिन ये वाला जो शेड है द शेड इज 30 मनी, सॉरी मीडियम डीप जो शेड है ये बेस्ट होता है, क्योंकि इससे ना आपको येलो टोन मिलती है स्किन में एंड जो कि आपके स्किन को फ्लॉलेस बनाती है ऑल डे। सो उसके लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी और ये कहीं ना कहीं बढ़िया कवरेज देता है। और अगर आपका फाउंडेशन एज सच आपको एक लेयर लगाना है ना तो आप इससे कवरेज पा सकते हैं। तो आप दोनों तरफ अंतर देख सकते हैं। आपको अगर सफ़ेद सफ़ेद सा लुक चाहिए तो ये वाला कॉम्पैक्ट यूज़ कीजिए, और अगर आपको थोड़ा सा अच्छा और इवन टोन चाहिए और आप इस तरीके से पाउडर ब्रश लेकर के एक्सेस पाउडर हटा दीजिए। ये देखिए, सो आप देख सकते हैं इस तरफ हल्का सा येलोइश टोन ज़्यादा है और इस तरफ है वाइट वाइट सा। तो आपको जो भी पसंद आए आप ले सकते हैं। और ये तो मेरी स्किन के हिसाब के टोन जो कलर टोन है ये मैंने चूज़ किए हैं, लाइक मीडियम डीप मुझे अच्छा लगा। मुझे इसमें जो सफ़ेद सफ़ेद सा जो लुक आ जाता है चेहरे पर एकदम वाइट, डे टाइम के लिए बहुत बुरा होता है, वो मैंने नहीं चूज़ किया। आप अगर वाइट टोन की तरफ या फेयर टोन की तरफ लेंगे लूज़ पाउडर तो उसका लुक अलग होगा दोस्तों। तो ये हो गया। और अगर यहाँ साइड साइड में आपको लग जाता है एक्सेस पाउडर तो आप इस तरह कॉटन की सहायता से हल्का हल्का हटा सकते हैं, जैसे कि मैंने हटा लिया। ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जिससे कि आप अपने मेकअप की बारीकियों को प्योर कर सकते हैं। सो यस, दिस इज माय रिव्यू। एंड अभी मैं लिप कलर लगा लेती हूँ। तो मैं लिप कलर लगाने वाली हूँ फ्रॉम कलबार मैट मी एज आई एम केव इन 014 और ये एक न्यूड कलर है। तो दोस्तों ये मैंने लगा लिया है लिप कलर और देखिए इस तरीके से आप मेबलिन फिट मी फाउंडेशन का कंप्लीट रिव्यू मैंने कर दिया है। और अभी भी आप डिफरेंस साफ साफ देख सकते हैं। इस तरफ मैंने सुपर फ्रेश कॉम्पैक्ट लगाया है एंड इस तरफ मैंने लगाया है मेबलिन फिट मी लूज पाउडर। और इसका प्राइस भी आप जान लीजिए, इसका रिव्यू मैंने किया है, बस फेस पर डेमो नहीं दिया था। दिस इज ₹695, ये 695 रुपये का है, 20 ग्राम है एंड मतलब भर की इसके अंदर प्रोडक्ट क्वांटिटी आती है। इसकी पैकेजिंग भी बहुत अच्छी है और ये मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगी फॉर बेकिंग, फेस पर मेकअप में बेकिंग के लिए भी बहुत अच्छा है। और अगर आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा सा जो लूज पाउडर है उसको इस तरीके से फिंगर पे ऐसे लेकर के एंड यहाँ पर हल्का सा हाईलाइट कर सकते हैं अपनी ब्राउज को। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं
जो मैं हमेशा अपने मेकअप में इस्तेमाल करती हूँ, एंड उससे मेरा मेकअप थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है, आपने देखा। सो यस, और अब मैं फुल फेस पर ये मेबलिन फिट मी लूज पाउडर अप्लाई कर लेती हूँ। और दोस्तों, अगर आप लूज पाउडर या फिर कोई भी कॉम्पैक्ट या फाउंडेशन लगा रहे हैं तो उसे अपनी नेक पर भी अप्लाई करें। इससे आपको इवन टोन मिलेगा, और हमेशा आप जब भी फाउंडेशन या कोई चीज़ अप्लाई करें, या बीबी सीसी क्रीम कुछ भी हो, उसे अपने नेक पर भी ज़रूर लगाएं, जिससे कि आपको लुक जो है वो अच्छा मिले। एंड अभी आप देख रहे हैं कि मैंने इसको अप्लाई कर लिया है फुल फेस पर, और फेस का जो टोन है वो इवन हो गया है, विच इज़ वेरी गुड। और अब मैं अपना जो ब्लश है वो अप्लाई करके दिखाने वाली हूँ आपको, क्योंकि जब मैंने डेमो दिया है डेफिनेटली, तो मैं इस मेकअप को कंप्लीट कर लेती हूँ। और मैं अप्लाई करने वाली हूँ कलबार का मैट इल्यूजन ब्लश, एंड दिस इज़ द शेड, आई थिंक दिस इज़ द शेड 004। सो एक्सेस को मैंने हटा दिया है, बहुत ही लाइट, बिकॉज इतना ज़्यादा एक्सेस ब्लश लगाने की भी आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप रात के लिए मेकअप कर रहे हो तो दिस इज़ सफिशिएंट फॉर यू, एंड अगर आप डे टाइम में कर रहे हो तो इट्स ओके। तो ये हो गया, एंड मुझे बड़ा बढ़िया लग रहा है इस फाउंडेशन का जो टेक्सचर है वो। तो दोस्तों, अब हो गया है मेरा लुक कंप्लीट, एंड मैंने पहन ली है ऑक्सीडाइज इयररिंग, और आप देख पा रहे हैं दिस इज़ द कंप्लीट लुक। एंड इस फाउंडेशन में बस थोड़ा सा माइनस फैक्टर यही है कि ये ना ऑक्सीडाइज थोड़ा सा होता है, बट अगर आप बहुत ज़्यादा धूप में निकल रहे हो तो थोड़ा सा फेड होता है। बट अगर आप नाइट टाइम में पार्टी के लिए मुझसे पूछो तो आई थिंक 6-7 घंटे स्टे करता है, बहुत बढ़िया। तो ये है एकदम मस्ट है प्रोडक्ट, एंड आई रियली लव दिस फाउंडेशन। और आप मेरा मेकअप लुक तो देख ही पा रहे हैं, मुझे लग रहा है बहुत ही बढ़िया। तो आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, डेमो जो है वो जेन्युइन लगा है, समझ आया है। और अगर आपको अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल रारा, इंडियन यूट्यूबर रारा मेरा दूसरा चैनल है नया, उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, वहाँ पर वीडियो ज़रूर देखें, बहुत ही सॉलिड और जेन्युइन वीडियोस वहाँ भी मिलेंगी आपको। रारा लाइफस्टाइल है मेरा एक चैनल, डेली रूटीन से रिलेटेड है और ट्रैवलिंग से, एंड आप मुझे फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। और मैं बहुत मैं तो अभी तक फॉल्स लैशेज जो होती हैं, मतलब जो नकली पलकें होती हैं, उनका इस्तेमाल अभी नहीं करती हूँ, तो एज सच मुझे आता भी नहीं है उन्हें इस्तेमाल करना। तो मेरे पास रिक्वेस्ट आई है, तो मैं अभी दोस्तों अभी नहीं कर पाऊँगी, पहले मुझे ट्राई करना पड़ेगा उन्हें, लेकिन उसके बिना ही मेकअप जो है वो नेचुरली भी अच्छा लगता है। सो दिस इज़ ग्रेट फॉर ऑयली स्किन, इनफैक्ट ग्रेट फॉर नॉर्मल स्किन टाइप पीपल। सो ये मस्ट हैव है, और ये ज़रूर ट्राई कीजिए। परचेज करने के लिए आप मार्केट से लीजिए, आउटलेट से, क्योंकि आप शेड मैच करके ले पाएंगे। और अगर आप जो इसको ऑनलाइन खरीदते हो तो थोड़ा सा आपको कलर का अगर पता है तो ठीक है, अदरवाइज आपको ले लेना चाहिए, और मिनी नहीं, आपको बड़ा पैक ले लेना चाहिए, बिकॉज इट्स वेरी नाइस फॉर पार्टी, फॉर डे टाइम, फॉर नाइट टाइम, इट्स वेरी गुड। थैंक यू सो मच, बाय बाय दोस्तों। एंड हमेशा मेरी वीडियो में मैं लास्ट में कुछ ना कुछ बोलना भूल जाती हूँ। अगर आप मेकअप फिक्सर नहीं लगा रहे हो तभी भी आप इसका लुक देख सकते हो। अगर आप मैं अभी मैं अगर मेकअप सेटिंग स्प्रे भी लगा लेती हूँ तभी भी इसका लुक फ्लॉलेस आता है, बट ऐसा सच मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैंने नहीं लगाया। थैंक यू।